जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्साहूणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणि, मंगलं कुंदकुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमांगल्यमांगल्यं, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय, स्वानुभूत्याचकासते, चिस्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छिदे, वन्दितु सर्वसिद्धे। धुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, बोच्छामि समयपाहुड मिडमोऽसुदकेवलीभरिधं। नमः श्रीवर्धमानाय सुधूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हमारे सामने श्री समय सार जी ग्रंथादि आज विद्यमान हैं। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। यह ग्रंथ जिस प्रकार आचार्य कुंद कुंद ने नियम सार ग्रंथ अपनी पर्सनल डायरी के रूप में लिखा है, उन्होंने अपने जो हृदय की अनुभव की बात लिखी है, वैसी ही बात इसमें लिखी है। इसमें उन्होंने जो आत्मा के अनुभव के जो अनुभव हुए हैं, उसकी बात उन्होंने समय सार ग्रंथ में लिखी है। यह ग्रंथ ग्रंथों का ग्रंथ है। इसमें जो मोक्ष मार्ग की मूलभूत बात है अध्यात्म की, उसका चित्रण इस ग्रंथ में हुआ है। यह ग्रंथ को आज पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि यह ग्रंथ साधकों की कामधेनु है। यह समय सार ग्रंथ साधकों की, जो आत्मा की साधना करना चाहते हैं, उनकी एक के लिए कैसी है, कामधेनु की समान है। कामधेनु गाय किसको कहते हैं कि मन चाहा वर दे दे। जिसने उसकी आराधना की, जिसने उसे प्रसन्न कर दिया, उसको वह सब कुछ दे देती है। वैसी ही समय सार ग्रंथ है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास ने लिखा है, तो उसके जो पहले सर्ग है उसमें चर्चा आती है कि जो राजा दिलीप थे, उनका पुत्र रघु था, तो उन्हें क्या था कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। रघु को, दिलीप को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने पूछा महर्षि से कि मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि तुमने पहले कामधेनु है उसको नाराज किया था, उसने उस श्राप दिया था, उसके कारण तुम्हें क्या पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने कामधेनु की आराधना की। आराधना करने के बाद जब कामधेनु प्रसन्न हुई, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ही एक क्या है कि इसकी महिमा अपरंपार है। यह ग्रंथ जो आत्म साधक है, आत्मा की साधना करने वाला है, उसके लिए वरदान के स्वरूप है, कामधेनु के समान है, आत्मा की अनुभूति रूपी वर प्रदान करने वाला है। इस ग्रंथ की पहली शताब्दी या दूसरी शताब्दी में ग्रंथ लिखा गया था। इस ग्रंथ उस समय से लेकर इस ग्रंथ पर आज तक कई टीकाएँ लिख चुकी हैं। कुछ टीकाएँ तो समय के कारण काल का विलित हो गई, और कुछ टीकाएँ क्योंकि हो गई नहीं मिलती आजकल, क्योंकि जो आचार्यमृत चंद्र देव द्वारा आत्मख्याति टीका लिखी गई, उसके प्रभाव से भी कुछ टीकाएँ अपने आप से पठन पठन में न आने के कारण विनष्ट हो गई। जैसा कि प्रमेय रत्नमाला कान ने, जब उन्होंने प्रमेय रत्ना का माला का मंगलाचरण किया, तो शुरुआत में उन्होंने लिखा कि प्रभेन्दु वचनोदार चंद्रिका प्रसरे सती, माद्रशाम को अनुगणयंती ज्योतिरिंगण सन्निभा। कि जो प्रभाचंद्राचार्य हैं, जैसे उन्होंने परीक्षा मुख पर टीका की, ऐसी विशाल और मार्मिक टीका की, उसके प्रभाव से हमारी जो टीका है उसके सामने कैसी है। जो प्रभाचंद्राचार्य की प्रमेय कर्म मातंड रूपी चंद्रिका है, उस टीका की जो चंद्रिका रूपी प्रकाश है, उसके सामने हमारी टीका कैसी है, तो रिंगड़ इंगड़ के समान है। इंगड़ यानी खद्योत्पात है, खद्योत कहें तो जुगनू के समान है। तो ऐसे ही जो आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका की,
उस टीका की चंद्रमा के प्रकाश में, आचार्य अमृत चंद्र के प्रकाश में सारी टीकाएँ सारे या टीकाएँ थी पहले की वो नष्ट हो गई पठन पाठन में नहीं आने के कारण। जब आत्मख्याति की ऐसी ख्याति फैली कि किसी की ख्याति वैसी नहीं रही। अब ऐसी भी बात नहीं है कि ऐसी फैल गई, उसमें जो विषय है उसमें जो माल है, जो आचार्य अमृत चंद्र देव ने अपनी अनुभूति से प्रमाण करके जो आगम के आधार पर उसमें जो माल भरा है उसकी महत्वता के कारण वह टीका ऐसी प्रचलित हुई। उसके बाद आचार्य जयसेन ने भी टीका लिखी। उनकी टीका की विशेषता, उन्होंने ज़्यादातर जगह तो आचार्य अमृत चंद्र देव का ही अनुमान किया, परंतु कहीं कहीं पर उन्होंने उनकी मुख्य शैली रही निश्चय व्यवहार की, और कहीं कहीं उन्होंने विशेष स्पष्टीकरण भी दिया जिसका अपना महत्व है। उसके बाद हिंदी में भी कई टीकाएँ लिखी गई जिनमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा की टीका प्रमुख है। उन्होंने समयसार भाषा टीका लिखी। उनकी विशेषता ये रही कि उन्होंने निश्चय व्यवहार की संधि, उन्होंने जहाँ टीका में और गाथा में निश्चय की बात जहाँ ऊपर तक गई तो उन्होंने व्यवहार को भी टच कर लिया जयचंद जी छाबड़ा ने, और जहाँ व्यवहार की बात रही तो वहाँ उन्होंने निश्चय को भी टच कर लिया। तो निश्चय व्यवहार का जो संतुलन बना के उन्होंने रखा वह उनकी टीका की अपूर्व विशेषता है। और आज भी बहुत सारी टीकाएँ लिखी जा रही हैं, और समाजसार की टीका भी ऐसी है उस पर भी कई सारी टीकाएँ लिखी गई। जैसे समयसार के कलशों पर पंडित राजमल जी ने टीका लिखी, बाल समयसार कलश बालभूत टीका लिखी उन्होंने। उसी के आधार लेकर जो समयसार कलश बालभूत टीका लिखी उसी को आधार लेकर पंडित बनारसी देश जी ने भावानुवाद किए, वो बहुत सुंदर हैं। काव्य उत्पादन से तो सहति हैं और उनमें अध्यात्म की गहरी बातें और लोक प्रचलित उदाहरणों के माध्यम से की गई है। उसी प्रकार एक और टीका आचार्य शुभचंद्र ने लिखी। अब आचार्य शुभचंद्र को तो जानते हो ज्ञान अर्ण वाले, उससे नहीं जानते तो उनके बारे में कहानी तो आपने सुनी होगी। उनके भाई भर्थरी थे तो स्वर्ण सिद्धि आदि की कहानी सबने सुनी ही है। तो उन्होंने लिखी परम अध्यात्म तरंगणी, ये टीका संस्कृत भाषा में लिखी है और उसकी अपनी विशेषता है। उन्होंने जो कलश है समयसार के इसके जितने अर्थ हो सकते हर कलश के उन्नतने अर्थ किए, और उन्होंने कुछ उन्होंने भी लिख दिया कि अब विस्तार भाई से हम और अर्थ नहीं कर रहे हैं, इसके और भी अर्थ हो सकते हैं। तो उन्होंने इस समयसार के मर्म को बहुत गहराई से पहचाना, और जो मंगलाचरण है ना इसके भी उनने कुल 7 अर्थ किए थे। नमा समयसार रूप जो मंगलाचरण है परम अध्यात्म तरंगणी में इसके कितने 7 अर्थ किए गए, 5 तो उनने परमेष्टियों के अर्थ किए, 5 परमेष्टियों को उसको नमस्कार किया गया है। तो एक शुद्धात्मा का अर्थ तो है ही, और एक उन्होंने अर्थ किया रत्नत्रय भाव। इस प्रकार उनने 7 अर्थ किए इसके, तो आप इससे इस मंगलाचरण की गहराई की अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस मंगलाचरण में मुख्य रूप से देखा जाए तो पहली बात तो मंगलाचरण किया गया है, हमारी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि इसमें मंगलाचरण किया गया है। दूसरी बात तो इसमें शुद्धात्मा की स्थापना की गई है, उसकी सत्ता की स्थापना इस मंगलाचरण में की गई है। तो न्याय की दृष्टि से भी ये मंगलाचरण बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखा जाए तो इस आत्मख्याति में न्याय की बहुत गुण बातें हैं। हमारा ध्यान ज़्यादातर कहाँ जाता है, अध्यात्म की ओर जाता है, परंतु न्याय की दृष्टि से भी देखा जाए तो उसमें बहुत गूढ़ बातें न्याय की भरी हुई हैं। अगर कोई विद्वान इनका अनुशीलन करे, इस पर विशेष अध्ययन करे, प्रकाश डाले, तो प्रकाश में ये चीज़ें आ सकती हैं। जैसे दूसरा ही कलश लें तो दूसरे कलश में अनेकांत की स्थापना कर दी, यानी जितने भी एकांतवादी मत हैं उन सबका खंडन कर दिया, और जो लोग ये मानते हैं कि हमारे वेद आदि शास्त्र नित्य हैं तो उनकी नित्यता का भी इससे खंडन कर दिया, और अपनी से स्थापना कर दी कि हमारी जिनवाणी माँ नित्य है, आपके जो वेदादि शास्त्र वो नित्य नहीं है। आप तो कहेंगे, कोई प्रश्न पूछ सकता है, दिखता तो है नहीं हमें खंडन, आप कह रहे खंडन कर दिया। तो खंडन भी देखो कई प्रकार का होता है। एक तो ये होता है सिर्फ खंडन करना कि मुझे सिर्फ आपकी बात का खंडन करना है, कोई भी तर्क हेतु लगा कर मैं आपकी बात का खंडन कर दूंगा। एक ऐसा रहता है कि अपने मत की स्थापना कर दी मैंने, मैंने अपनी सच्ची अच्छी बात रख दी तो आपकी बात का अपने आप खंडन हो जाएगा, और नहीं करना है, नहीं हुआ तो न्याय शास्त्रों में जाकर देख लो, वहाँ पर तो खंडन है ही। तो मतलब उन्होंने शुद्धात्मा की स्थापना कर दी, अस्थि से बात कर दी, उन्होंने सब चीज़ें समझा दी, तो तुम्हारी जो गलत बात है उसका खंडन तो अपने आप से हो ही गया, उसकी खंडन करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई। और जैसे देखें तो कर्ता कर्म अधिकार है, तो 90 न्याय की चर्चा आई है उसमें। अब न्याय में सबसे कठिन माना जाता है 90 न्याय को, कि 90 न्याय न्याय में सबसे कठिन होता है। उसको आधार लेकर भी इन्होंने अध्यात्म ग्रंथ में बहुत गहरी बात की है कर्ता कर्म अधिकार में। जब पढ़ेंगे आप लोग तो आपको उसका अध्ययन में आएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं तो भी उस पर विशेष ध्यान दें कि 90 न्याय जैसी कठिन बात की चर्चा उसका तरीका लेकर उसकी शैली लेकर यहाँ पर बात की गई है। तो न्याय के दृष्टि से भी ये टीका बहुत महत्वपूर्ण है।
तो हमारी इस टीका का परिचय तो मैंने कल थोड़ा दिया था, आज भी थोड़ा विस्तार से दिया है और इसके मंगलाचरण की भी हमने चर्चा कर दी है। एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेद। तो ये समय सार इसमें किसको नमः किया गया, किसको किया गया नमन, तो समय सार यानी जो समय अर्थात शुद्धात्मा और सार यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से है जो शुद्धात्मा है उसको नमस्कार किया गया है। वो कैसा है तो चैतन्य स्वरूप है, भावा यानी सत्ता स्वरूप है, स्वानुभूत्या चकास्त यानी स्वानुभूति से प्रकाशित होता है, सर्वभावान्तरच्छेद। कल मैंने इसके दो अर्थ बताए थे, एक तो परम अध्यात्म तरंगणी उसके हिसाब से बताया था और एक जो प्रचलित अर्थ है ज़्यादातर सभी टीकाकारों ने जो अर्थ किया है कि सर्व प्रकार के पर पदार्थों को जानने वाला ऐसा, और एक उसमें जो अर्थ किया गया है परम अध्यात्म तरंगणी में उसमें किया गया है कि जो सर्व पर पदार्थों से अपने को भिन्न करता है ऐसा शुद्धात्मा, तो उसको यहाँ पर क्या किया गया है नमस्कार किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर तीन चीज़ें निकलती हैं अगर इसमें देखा जाए विशेषणों पर ध्यान दिया जाए तो। पहली बात भावाय, भावाय से क्या निकलता है द्रव्य निकलता है, क्यों, क्योंकि भाव यानी होता है सत्ता। कल मैंने बताया था कि भू धातु किस में होती सत्तायाम, कि सत्ता अर्थ में भू धातु होती है तो उससे भावा शब्द बना, तो भाव का अर्थ क्या हुआ सत्ता। और तत्वार्थ में पढ़ा है कि सद्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण क्या है सत है, तो सत्ता से यानी भाव से किसकी सिद्धि हुई तो द्रव्य की हुई। चिस्वभावाय, चिस्वभावाय से किसकी सिद्धि हुई तो गुण की सिद्धि चिस्वभावाय से हुई, क्योंकि कैसा है चैतन्य स्वरूप है। जैसे कोई कार्यक्रम करना हो तो कहीं पर हम सबका नाम तो नहीं ले सकते, तो किसी एक मुख्य व्यक्ति का नाम ले देते हैं, उनके अंडर में सभी लोग आ जाते हैं। अब जैसे मंच कार्यक्रम हो रहा हो मुख्यमंत्री बैठा हो तो कोई अलग अलग मंत्री के नाम ले लेंगे, फिर कहेंगे आदरणीय CM साहब, वैसे यहाँ पर ज्ञान गुण को प्रतिनिधि रूप में ले लिया है तो अब फिर सभी गुण इसी के अंडर में आ गए, सभी गुण की चर्चा हो गई। तो गुण की चर्चा किस में आ गई चिस्वभाव आय में, और सर्वभावान्तरच्छेदे और स्वानुभूत्या चकास्ते, इन दो विशेषणों से किसकी चर्चा आ गई पर्याय की। पर्याय की कैसी आ गई तो सर्वभावान्तरच्छेदे, सर्वभाव को जानने वाली कौन सी पर्याय है केवल ज्ञान की पर्याय, तो उसकी चर्चा आ गई। और स्वानुभूत्या चकास्ते यानी स्वानुभूति से जो प्रकाशित हो रहा है ऐसी ज्ञान की पर्याय उसमें आ गई, तो पर्याय की बात आ गई। तो किसकी आ गई द्रव्य की, गुण की और पर्याय की, तीनों की बात आ गई यानी पूरी वस्तु स्वरूप की चर्चा इन दो लाइनों में आ गई। अब इससे दादा ने एक विशेष अर्थ निकाला, उन्होंने उस किससे जोड़ा तो जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा है उससे उन्होंने इसको जोड़ा। ये उन्होंने एक पंक्ति भी लिखी है देख सकती है आप, कि मोहनाश का उपाय द्रव्य गुण पर्याय से निज भगवान आत्मा को जानना ही है। इससे बात कहाँ जुड़ जाती है, जुड़ जाती है 80वीं गाथा तक। तो 80वीं गाथा से थोड़ा विवरण लें तो, जो जानत अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम सो जानत अपारम मोह खलु जादि तस्लयम, कि जो अरिहंत भगवान को कहाँ से जानता हो द्रव्य गुण पर्याय से, जो अरिहंत भगवान को जानता हो तो क्या होता है वो अपनी आत्मा को भी वैसा ही जानता है, उसका क्या होता है मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर अरिहंत की बात कैसी आ गई तो उसका विशेष स्पष्टीकरण मैं आगे करूँगा, क्योंकि यहाँ पर दो अर्थ निकाले मेल रूप से, एक तो शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है और किसको नमस्कार किया गया है तो इसमें अरहंत भगवान को यानी बीतराग भगवान को जो भी हैं उनको भी नमस्कार किया गया है, तो इससे उन्होंने अरहंत भगवान को पकड़ लिया कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं उनका क्या होता है मोह क्षय होता है, वे अपनी आत्मा को जानते हैं और उनका द्रग मोह दर्शन मोह क्या हो जाता है क्षय हो जाता है। अब कैसे ये तो भाई हमें लगता है कैसी, ये तो चतुर्थ काल वालों की बात है, ये विदेह क्षेत्र वालों की बात है जिनके सामने अरहंत भगवान विद्यमान है वे ही उनको जान सकते हैं, हम कहाँ से जाने। तो भाई किसी ने कहा कि तुम प्रत्यक्ष जानो, हाँ किसने कहा कि तुम प्रत्यक्ष जानो, शास्त्रों में भी अरिहंत भगवान का स्वरूप वर्णित है उससे जानो, क्यों शास्त्रों में तो हमें समझ में नहीं आता कुछ, शास्त्रों की बात समझ में नहीं आती, तुमने अच्छे से समझी कहाँ है कि समझ में नहीं आती। एक दृष्टांत देते हैं कि कुछ बालक हैं वो गाँव के बाहर रहते थे तो विद्यालय पढ़ने जाते थे अपने, तो गांव के बाहर रहते थे तो नदी पार करके खेत पार करके खेत खलियान पार करके सड़क के रास्ते चलकर विद्यालय पहुंचते थे, तो सुबह से निकल जाते थे, अब सभी आसपास में मोहल्ले के रहने वाले थे तो सभी साथ में जाते थे, तो धीरे धीरे जाते थे तो रास्ते में एक कुआं मिलता था,
अब कुआ भी बिना मुंडेर का, अब फोटो में देखते हैं आजकल तो कैसे मुंडेर वाले बने रहते कुए, पर गांव में जो कुए होते हैं खेतों पर तो ना मुंडेर नहीं होती, सकरे कुए बिल्कुल सपाट कुए होते हैं। तो वहां पर जाते तो उसमें कुएं के पास जाकर क्या करते, कुका देते। अब बुंदेलखंड में कुका देना मतलब हल्ला करते उसके पास जाकर, तो वो आवाज़ वापस लौट कर आती। तो कुछ जो बड़े बच्चे रहते साथ में तो डराते छोटे बच्चों को कि देखो देखो भूत बैठा है इसमें, तुम देखो आवाज़ दो भूत को तो तुम्हें भी वो चिल्लाएगा भूत। तो जो छोटे बच्चे हैं वो डर जाते, जल्दी से भाग जाते। अब क्या हुआ कि पहली दूसरी में पढ़ते थे, तो अब एक दिन मास्टर जी गए तो मास्टर जी ने कहानी सुनाई किताब में से पढ़कर कि एक सिंह था तो जानवर उससे परेशान थे, तो जानवर उसको कुएं के पास ले गए। कुएं के पास ले गए तो उसने कहा सिंह से, देखो वहाँ पर भी एक सिंह है। और सिंह को जब देखा तो उसने कहा दहाड़ो, देखो वो भी तुम्हारे ऊपर दहाड़ेगा। तो सिंह ने दहाड़ा, वहाँ से भी दहाड़ की आवाज़ आई, तो बस सिंह उसमें कूद गया और मर गया। तो फिर बताया कि दहाड़ की आवाज़ नहीं आती, बहुत ही ध्वनि का परावर्तन होता है, उससे पराध्वनि निकलती है, उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, कुआ बोल रहा है हमसे। तो बच्चे को समझ में आ गया कि क्या चीज़ है, इसके मैटर क्या है इसमें। अब वापस लौट के आए वो, अब चलते चलते आ रहे थे तो बड़े बच्चों को फिर से शुरुआत छूटी। तो उन्होंने कहा चलो इस बार फिर से इन्हें डराते हैं। तो उन्होंने कहा कुएं के पास ले गए, उन्होंने कहा देखो कुएं में भूत है, अब तुम चिल्लाओ तो भूत तुमको चिल्लाएगा, देखते हैं इस बार, देखते हैं फिर से जाके करके। तो फिर से चिल्लाया उस बड़े बच्चे ने, पर इस बार नहीं डरे छोटे बच्चे। अब वो रह गया सन्न कि डरे क्यों नहीं, हर बार तो जाते तो डर जाते, इस बार डरे क्यों नहीं। अब उन्हें क्या पता कि इन्होंने किताब में सब पढ़ लिया है, मास्टर जी ने सब पढ़ा लिया है। वैसे ही ये मतलब नहीं कि कोई चीज़ हम प्रत्यक्ष अनुभव करें, कोई चीज़ आगम प्रमाण से जान लें, किसी विशेष वक्ता के मुँह से जान लें, तो वो चीज़ भी कल्याणकारी हो सकती है। तो शास्त्रों में जो अरिहंत भगवान का स्वरूप बताया है उसको जान लें तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। अब पंडित जी आप तो कह रहे हो कि जान लो शास्त्रों में, पर शास्त्रों में जानते तो पता है हमें कैसी फीलिंग आती है, पता है कैसी आती है फीलिंग कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वे कैसे अरिहंत भगवान हैं, देखो समोसरण सहित है, परमोदार एक दिव्य देह है उनकी, और दुनिया भर के अतिशय हैं उनके साथ, और कहाँ हमें कूड़े कचड़े में पड़े हैं। हमें तो देखकर घिन आती है अपने आप पर, ग्लानी आती है। आप कहते हो महिमा आए द्रव्य गुण परियास से जानो, तो अब इसी प्रसंग में एक दृष्टांत आता है और अच्छी कहानी है तो मैं सुनाना चाहता हूँ, विषय से भी जुड़ती है। और कि अब राजा भोज थे तो रहते थे वो अपने आराम से रहते थे, तो सुबह से उठे कसरत करने बाहर गए, तभी एक विद्वान था उद्भट नाम का। तो अब वो बहुत गरीब हो गया था, कुछ बचा नहीं था खाने को। तो उसने कहा कि पहली बात तो दो ऑप्शन है कि कहीं से जाऊं कि मांग लाऊं कि चोरी कर लूं। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे संकुचित टाइप के कि वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मान लो जाऊं तो मैं किसी से कोई वस्तु मांगूं ना नहीं। तो उन्हें कहा मांगने से अच्छा तो मर जाना है, इससे अच्छा तो मैं चोरी कर लूं। तो फिर गए कहाँ करे चोरी करने जाए, तो उन्हें कहा कि यहाँ वहाँ चोरी नहीं करनी, राजा भोज के यहाँ जाता हूँ वहीं पर चोरी करूँगा। तो गए वहाँ पर, अब पहरेदारों से बच के तो चले गए, क्योंकि राजा भोज का एक नियम था कि कोई भी विद्वान हो उसके लिए कोई रोक नहीं रखते थे, क्योंकि उसके उनके महल में विद्वानों की आवाजाही लगी ही रहती थी, कोई विद्वान को भीतर जाने का रोक नहीं थी। तो वो चले गए भीतर, जाकर उनके रूम में गए जहाँ पर राजा भोज का कक्ष था, वहाँ पर जाए वहाँ पर देखने लगे चीज़ों को, उठाने लगे। अब तभी राजा भोज अपनी कसरत करके वापस आ गए। अब कसरत करके आए तो थक गए थे थोड़े बहुत, तो उन्होंने कहा थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो वहाँ पर अपने पलंग पर आकर लेट गए। अब इन्हें देख लिया इन्हें क्या राजा भोज आ रहे हैं, तो एक पलंग के नीचे जाकर छुप गए। तो राजा भोज तो खुद भी एक बड़े विद्वान थे, कवि थे, तो उन्होंने कहा कि मन में विचार विचार करते करते श्लोक मन में आ रहा था, दोनों ने लिख लिए। उन्होंने कहा चलो इसको थोड़ा लिखूं, तो उन्होंने बोला पहली लाइन बोली कि चेतो हरा युवत यह सुहृदानुकूलो। तो उन्होंने पहली लाइन बोली कि चेतो हरा युवत यह सुहृदानुकूल, कि जैसे हमारे यहाँ पर स्त्रियाँ कैसी हैं कि बहुत मनोहर स्त्रियाँ हैं मेरे पास और अच्छे अच्छे अनुकूल मित्र हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा और, तो दूसरी लाइन आ गई कि सद बांधवा प्रणति गर्भ गिराश्च भृत्या, कि बांधव कैसे हैं मेरे, बंधुजन कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, सद हैं यानी अच्छे हैं, सज्जन स्वभाव के हैं, और प्रणति गर्भ गिराश्च भृत्या, और अच्छी मीठी वाणी बोलने वाले कैसे हैं, सेवक हैं, गर्जंति दंति निवहा तरलह तुरंगा। इस प्रकार उन्होंने तीसरी लाइन भी बना ली कि मेरे यहाँ पर आंगन में जाकर जो हाथी हैं वो गर्जन कर रहे हैं, और तरल यानी बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में, और तरल के दो अर्थ ले सकते कि ज़्यादा मात्रा में, और एक ले सकते बहुत तेज, तो तेज वो क्या है, घोड़े हैं मेरे पास। अब
चौथी लाइन उन पर बन नहीं रही थी, तीसरी तो उनने मूड में बना ली थी लाइनें, अब चौथी उन पर बन नहीं रही थी तो चौथी की सूझ में पड़ गए। अब उद्भट का भी थे, चोर बन के जरूर आए थे, पर थे तो विद्वान ही। अब क्या रहता है कि कोई विद्वान कुछ भी छुपा ले पर उसकी विद्वत्ता नहीं छुपती, कहीं ना कहीं से वो निकल ही आती है। तो उन्होंने चौथी लाइन बना के दे दी कि सम्मीलने नयन ओ नहीं किंचे दस्ती, कि भाई राजा साहब लाएं आप अपनी दोनों नेत्र बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखेगा फिर आपको, ना आपकी युवतियाँ दिखेंगी, ना आपको आपके मित्र दिखेंगे, ना आपको आपके रिश्तेदार दिखेंगे, ना आपको आपके सेवक दिखेंगे, ना आपको आपके हाथी दिखेंगे, ना आपको आपके घोड़े दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, बस अंधकार ही दिखेगा। बस ऐसी यहीं पर बात है, क्या करना है हमें, व्यवहार की आँख बंद करनी है, जो चर्म चक्षु बंद करने हैं, अंतर्दृष्टि से अरहंत भगवान को देखना है तो पता चलेगा कि जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही उनका स्वरूप है। आचार्य अमृतचंद देव ने भी टीका लिखी अस्सी गाथाएं में, तो उन्होंने वहां पर लिखा भी कि उभय रपो निश्चयेन अविशेषात, कि उभयो अपि दोनों में ही, चाहे अरहंत भगवान हो चाहे मैं हूँ, दोनों ही निश्चयन, यानी निश्चयन ऐसे क्या है अविशेषात, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सामान्य हैं, दोनों एक से हैं। तो इस प्रकार कि जाना मैंने कि जैसे अरिहंत का द्रव्य स्वरूप है, जैसे अरिहंत जीव द्रव्य है ऐसी मैं ही जीव द्रव्य हूँ, जैसे वो चैतन्य स्वरूप है ऐसे मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ, जैसे पर्याय में वो प्रकट परमात्मा है वैसे मैं कारण परमात्मा तो हूँ, परंतु अब पर्याय में मुझे परमात्मा बनना है। एक चीज़ और इससे ले सकते कि जैसे वो देह सहित है ऐसे मैं भी तो देह सहित हूँ, परंतु उनके कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है नहीं हो रहा है, परंतु मैं संयोग मान के क्या हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। तो ये एक प्रेरणा तो ये मिलती है अरिहंत भगवान से। दूसरी ये मिलती कि अब जो महादेवी वर्मा हुई हैं, हिंदी कवियत्री हुई हैं, तो उनने कुछ लाइनें लिखी हैं, तो कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के रंग लीले। तो उन्होंने कहा कि मोम के बंधन, अरहंत देव आदि क्या राज्य का बंधन, दुनिया भर की जिनकी शादी हुई थी तो उतनी सारी पत्नियों का बंधन, माँ बाप का बंधन, इतना सारा धन वैभव का बंधन छोड़कर चले गए, यानी वो लोहे का बंधन छोड़कर चले गए और तुम इस मोम के बंधन से फंसे हुए हो, तुम्हारे पास है ही क्या कि जिसके तुम्हें त्यागने में संकोच हो रहा है। तो ये शिक्षा भी मिलती है। तो अब कि जो द्रव्य गुण पर्याय से, यानी द्रव्य से गुण से और पर्याय से अरिहंत भगवान को जान ले, ये तो स्थूल चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मात विशेष चर्चा देखनी हो तो वहाँ पर आप अनुशीलन लिखा है दादा ने, उसमें विस्तार से चर्चा की है, पर सामान्य विषय के परिप्रेक्ष्य में सामान्य चर्चा मैं कर रहा हूँ कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से गुण से और पर्याय से जानते हैं तो उनका दर्शन मोह तुरंत नष्ट हो जाता है। ये तो रही दर्शन मोह की बात, अब ये भी बात रख याद रखना कि अरिहंत भगवान को जानने से मतलब यहाँ नहीं कि उन्हीं को जान लेना, ये जानना कि उनको जानकर जैसा मेरा भी उनकी तरह स्वरूप है ऐसा जानना, तो स्वयं प्रतीति हुई तो ये बात रहती है कि अनुभव करना है ऐसा, तो उससे क्या है मोह तुरंत नाश हो जाता है। आखिरी में एक आचार्य अमृतचंद एक बड़ी पंक्ति लिखते हैं अच्छी कि यद्येवं लब्धो मया मोह वाहिनी विजयोपाया, अगर ऐसा है कि अरिहंत को मैं द्रव्य गुण पर्याय से जान लूं तो मेरा मोह क्षय हो जाए, तो मैंने क्या है मोह वाहिनी को विजय करने का उपाय प्राप्त कर लिया है। कि पहले के ज़माने में क्या रहता था कि जब पहले कि राजा लोग युद्ध लड़ते थे और सैनिक लोग युद्ध लड़ते थे, तो युद्ध लड़ने राजा भी जाते थे सैनिक भी दोनों जाते थे। फिर क्या हुआ कि वक्त बदला, मुगल लोग आए तो उन्होंने एक तुगलमा पद्धति चलाई कि उनके बहुत सारे नियम रहते थे उस पद्धति के, पर मुख्य एक रहता था कि राजा युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, युद्ध लड़ने सेनापति जाएगा, सिपाही सलाह जाएगा, युद्ध सैनिक ही लोग ही लड़ेंगे, राजा युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, तो इससे बहुत सफलता भी मिलती थी इन्हें। अब क्या हुआ कि हेमू विक्रमादित्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसने 17 लड़ाइयाँ इकट्ठी जीती थी, 17 लड़ाइयाँ इकट्ठी जीत के वो अखबार से युद्ध लड़ने गया था। तो अब यहाँ पर उन्हें लग रहा था हार जाएंगे, परंतु उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक सैनिक में, अपने प्रत्येक सैनिक में भाव जागृत किया कि देखो बेटा तुम लड़ रहे हो तो तुम खुद बन के लड़ रहे हो, अगर तुम हारे तो सब हारे, तुम खुद अपने आप में राजा हो, तुम अपने लिए लड़ रहे हो, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, अपने आप में लड़ रहे हो, तुम ही प्रभु हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लड़ना कि तुम खुद राजा हो। अब हेमू उनका लड़ाई हुई, अब वो तो मनोबल हेमू का ज्यादा था, शक्ति भी हेमू के पास ज्यादा थी, तो जीत गए, वो जीतने ही वाले थे, आखिरी पड़ाव युद्ध का चल रहा था, तो एक तीर जाकर हेमू की आंख में लग गया, तो हेमू बेहोश हो गया हाथी के हौदे में, वहीं पर गिर पड़ा। तो फिर सैनिकों ने देखा कि दिखाई नहीं दे रहे हमारे राजा, तो उन्हें लगा राजा मर गए,
तो अपन ने कहा कि हम जिसके लिए लड़ रहे थे वो तो मर ही गया है, हम क्यों अपनी जान फालतू में बेकार में खराब करें। तो वो भाग गए वहाँ से और वो लोग जीत गए। तो क्या है कि अनादिकाल से हम हीनता में जी रहे थे, थोड़े बहुत स्वभाव कर लिए, स्वभाव कर लिए तो धर्म मान लिया कि हम जैन होने के नाते धर्म कर रहे थे। परंतु जब से अरहंत भगवान का स्वरूप जाना तो प्रभुता आ गई मेरे अंदर कि मैं मुझ में ताकत है कि मैं कर्म को दुत्कार सकूं। जैसे अरहंत भगवान हैं उन्होंने कर्म को दुत्कार दिया, किनारे लगा दिया, ऐसे ही मुझ में वो प्रभुता है क्योंकि मेरा उनका स्वरूप समान ही है। तो दोनों की प्रभुता समान है तो प्रभुता का भाव आता है, और जब प्रभुता का भाव आता है तो जब कर्म से जो युद्ध लड़ते हैं, कर्म से जो युद्ध होता है तो उसका अलग ही मजा होता है, उसका हल अलग ही निकलता है, उसका फल अलग ही निकलता है, क्योंकि वो प्रभुता है, वो हमें जो शक्ति देती है। वैसे ही अरिहंत भगवान का स्वरूप जानने से हमें वो शक्ति आती है कि मन से बात निकलती है कि रोम रोम पुलकित हो जाता है, और ये बात निकलती है कि यद्येवं लब्धो मया मोह वाहिनी विजय उपाया, कि मैंने आज मोह को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। अब एक और चर्चा कल अपनी रह गई थी कि इस मंगलाचरण में साफ साफ से तो दिख रहा है कि शुद्धात्मा को नमस्कार किया गया है, परंतु शास्त्रों की तो एक पद्धति है कि जहाँ भी नमस्कार किया जाए तो वहाँ पर इष्टदेव को नमस्कार किया जाता है कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। ऐसे बहुत सारे मंगलाचरण हैं, गोमरसार कर्मकांड का पणमीय नियम सरसाह गुणनारायण विभूषणम महावीरम, तो वहाँ पर भी तो आप्त को नमस्कार किया है, तो आपने यहाँ पर आप्त को नमस्कार क्यों नहीं किया है? तो एक सामान्य उत्तर तो मैंने कल दे दिया था द्रव्य संग्रह के आधार पर, कि वहाँ पर कहा है कि अध्यात्म शास्त्रों की पद्धति ही ऐसी है कि वहाँ पर कि सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है, कि सिद्ध स्वरूप जो आत्मा है उनको नमस्कार किया जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि प्रकारांतर से इसका भी अर्थ निकाल सकते हैं कि एक तो मैंने कल वो अर्थ बताया था कि देव में अरहंत सिद्ध कैसे इसमें गठित होते हैं, शास्त्र ऐसे कि समय सार है तो समय सार जो शास्त्र है उसको नमस्कार किया है। अब गुरु की बात रहेगी तो गुरु की बात कहाँ से आएगी? तो अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि समय सार तो आपको पहले ध्यान में कौन आता है? आचार्य कुंदकुंद देव आते हैं। अगर मैं कहूँ कुंदकुंद आचार्य तो आपको ध्यान में पहले कौन आता है? समय सार आता है। तो कुंदकुंद आचार्य और समय सार में ऐसा समानाधिकरण है कि समय सार देखो तो कुंदकुंद आचार्य याद आ जाए, कुंदकुंद आचार्य देखो तो समय सार याद आ जाए। तो ग्रंथ को नमस्कार किया तो ग्रंथकार को नमस्कार कर ही लिया, और कुंदकुंद आचार्य कौन है? गुरु हैं, तो गुरु को भी नमस्कार हुआ, तो देव शास्त्र गुरु को इस प्रकार उन्होंने नमस्कार कर दिया। इसमें दादा ने एक उदाहरण दिया था तो कल तो मैंने उसको नहीं लिया था, आज मैं उसको ले रहा हूँ कि उन्होंने ये मंगलाचरण था किसका? अष्ट सहस्त्री का। आचार्य विद्यानंदी ने अष्ट सहस्त्री लिखी आप्तमीमांसा के ऊपर टीका, तो उसका मंगलाचरण उन्होंने दिया है। ऐसे मिलते तो बहुत सारे मंगलाचरण हैं जिनमें प्रकारांतर से कई अर्थ किए गए हैं, परंतु ये उसमें दिया गया है अनुशीलन मुख्य रूप से, तो उसके स्पष्टीकरण के लिए उसको लेते हैं कि श्री वर्धमान मिबंध सामंत भद्र उद्भूत बोध महिमान मनिंद वाचम शास्त्रावतार रचिता स्तुति गोचरात मीमांसितम कृतिरलंक्रियते मायास। तो वहाँ पर क्या है, दो शब्दों का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया, एक तो श्री वर्धमानम और एक समंत भद्रम। तो पहला अर्थ तो एक सामान्य देखें, पहला अगर भगवान महावीर को केंद्र बिंदु लें तो भगवान महावीर वर्धमान नाम ही शुद्ध साफ समझ में आ रहा है। दूसरा समंत भद्रम, तो ये भी लगा सकते हैं समंत भद्र कैसे, तो जो चारों तरफ से भद्र है यानी सभी कर्मों से रहित होकर भद्रता को प्राप्त हुए हैं ऐसे महावीर भगवान, तो साफ रूप से उनका नमस्कार हो गया। फिर थोड़ी और गहराई में जाएं तो एक श्री वर्धमानम श्री भगवान महावीर को, और समंत भद्रम कि समंत भद्र आचार्य को क्या कर दिया है, हमने नमस्कार कर दिया है। और एक अर्थ निकल सकता है कि समंत भद्रम समंतात भद्रा समंत भद्रा, ये चारों तरफ से भद्र हैं ऐसे कैसे, तो हमारे 24 तीर्थंकर तो उनको भी नमस्कार किया गया है। ये तो अर्थ हम निकाल लेते हैं, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो श्री वर्धमान ये भी निकल सकता है, और श्री समंत भद्रम मुख्य रूप से किसको नमस्कार किया है, श्री समंत भद्र को। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो नीचे की दूसरी लाइन में जो विशेषण दिए हैं कि उद्बोध मोह उद्बोध बोध महिमानम अनिंद वाचम, कि जिनके पास आनंद है यानी दोष रहित हैं, और उद्भूत बोध महिमानम जिनको बोध की महिमा यानी केवल ज्ञान की महिमा बहुत क्या है उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हो चुकी है ऐसे, तो इससे तो तीर्थंकरों पर भी घटित हो जाएगी ये चीज़। और
संबंधबद्धाचार पर तो घटित होती है, परंतु जो तीसरी लाइन दी है कि शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त मीमांसितम, नीचे की लाइन में आ गया क्योंकि छंदानुरोध से, पर एक पूरा समासित वाक्य है कि शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्तम, गोचराप्त मीमांसितम, कि जो शास्त्रावतार, शास्त्र के अवतार में यानी शास्त्र के शुरुआत में जो रचित स्तुति गोचर आप थे उनकी मीमांसा जो की गई है, यानी जो आचार्यमा स्वामी ने मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है, ऐसा जो उन्होंने मंगलाचरण किया है, तो उसके आधार पर जो उसमें जो देव की स्तुति गई है उसकी मीमांसा के रूप में जिन्होंने लिखा है, ऐसे समंत भद्रम अभिबंध उनको नमस्कार करके जो कृति अलंक्रियते मयास्य, यह कृति मेरे द्वारा क्या किया जाती है, अलंकृत किया जाती है यानी टीका की जाती है, तो उसका अर्थ मुख्य रूप से तो समंतबद्ध है, परंतु हम विशेषण को एक एक करके पकड़ें, इकट्ठा पकड़ेंगे तो समंतबद्धाचार्य निकलेगा, पर एक एक करके पकड़ें तो श्री चौबीस तीर्थंकर भी निकलेंगे, वर्धमान महावीर भगवान भी निकलेंगे और समंतबद्धाचार्य तो निकलते ही हैं, तो तीन अर्थ निकलते हैं। वैसे ही इसमें है, इसमें एक तो शुद्धात्मा का अर्थ निकलता है और एक देवशास्त्र गुरु का, दोनों का अर्थ निकलता है, इसके बारे में कल तो हमने विस्तार से चर्चा की ही थी, और वही भी बताया है मैंने कि परम अध्यात्म तरंगणी में सात अर्थ निकाले गए हैं, तो सात अर्थ भी निकल सकते हैं, तो इससे हमारे आचार्य का पांडित्य भी पता चलता है कि शब्दों की रचना उन्होंने ऐसे की कि उसमें इतने सारे अर्थ आ गए। एक चीज़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है भावाय भावाय, दो बार भावाय दिया है, तो यहाँ पर यमक अलंकार भी कर सकते हैं क्योंकि एक अनर्थक अर्थ सार्थक यमक अलंकार चार पांच प्रकार का होता है, तो एक उस प्रकार से इसमें घटित होता है, तो यमक अलंकार भी यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि दो शब्द दो बार आए परंतु एक का अर्थ अनर्थक है और एक अर्थ सहित है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर यमक अलंकार भी बन सकता है, ठीक है। और इस प्रकार कई और अन्य उदाहरण भी मिलते हैं शास्त्रों में, जैसे मैंने अभी गोमट सार की पंक्ति बोली थी कि पणमीय सिरषाणे मिम गुणनयन विभूषणम महावीरम, तो यहाँ पर पहले तो उन्होंने नेमिनाथ भगवान का अर्थ निकाला, फिर उन्होंने निकाला महावीर भगवान का अर्थ, फिर 24 तीर्थंकर अक्षर पद्धति से अंक पद्धति को लेकर उन्होंने 24 तीर्थंकरों का अर्थ भी निकाला, तो वो बहुत विस्तार की चर्चा है, मूल ग्रंथ से ही द्रष्टव्य है। और जैसे परीक्षा मुख का मंगलाचरण है, वहाँ पर भी उन्होंने प्रमाणादर्थ संसिद्धि तथा भाषद विपर्यया इति वक्षे तय लक्ष्म विसिद्धम अल्पम लघी यसा, तो वहाँ पर प्रमाण शब्द से उन्होंने एक तो प्रमाणार्थ यानी विषय निरूपक जो मंगलाचरण होता है विषय वस्तु सूचक, तो वो तो उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद दूसरा उन्होंने प्रमाण से उन्होंने किया लिया मान यानी लक्ष्मी और प्रास्य प्रकृष्ट, तो प्रकृष्ट लक्ष्मी जिनकी ऐसी केवल ज्ञान आदि लक्ष्मी जिनके सहित हैं ऐसी, ऐसे उन्होंने कहा है तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। प्रमेय रत्नमाला में आप देखेंगे तो वहाँ पर आचार्य लघुवनंत वीर ने पूरे छंद पर इसको घटित किया है, यहाँ पर तो मैं सिर्फ प्रमाण शब्द में घटित कर रहा हूँ, परंतु उन्होंने पूरे छंद में अर्थ किया है कि जैसे प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है, इसी जो प्रकृष्ट लक्ष्मी से सहित सच्चे देव हैं उनसे हमारे अर्थ की यानी प्रयोजन की सिद्धि होती है, और प्रमाणाभास से यानी जो आप्ताभास हैं उनसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इसलिए मैं आप्त का और आप्ताभासों का दोनों का वर्णन करूँगा। तो वो आप्ताभास उन्होंने फिर किया भी है, आप्त का निरूपण भी किया है, आगम का निरूपण किया है, तो उसमें आप्त का निरूपण भी आ जाता है, तो वैसा उन्होंने निरूपण किया है, तो इससे यहाँ पर दोनों अर्थ निकलते हैं, एक तो देवशास्त्र गुरु विषयक अर्थ भी निकलता है और शुद्धात्मा विषयक अर्थ तो निकलता ही है। इस प्रकार ये महान ग्रंथ का महान मंगल महान ग्रंथ की महान टीका का महान मंगलाचरण हमने देखा, और कल जो है अनंत धर्म स्तुति वो आप अंगले देखेंगे, उसमें भी बहुत गूढ़ मर्म छिपा है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि जैन न्याय का मूल उसमें बहुत छुपा हुआ है, तो वो भी आप सुने ध्यान से। इस प्रकार की मंगल भावना से सभी अपना आत्मकल्याण करें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।